हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो पे। तो दोस्तों, फ्रैंकलिन का शहर पाताल के अंदर जा रहा है और जो लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे उनकी घर की जमीन टूटकर वो लोग भी पाताल के अंदर जा चुके। बस कुछ ही घंटों के अंदर पूरा शहर पाताल के अंदर चला जाएगा और इंसानों के साथ साथ सिटी में रहने वाले सभी एनिमल्स भी मारे जाएंगे। दोस्तों, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि फ्रैंकलिन का घर भी टूट रहा है, उसके अंदर दरारें आ चुकी है। हाँ दोस्तों, फ्रैंकलिन के बेड के ऊपर भी अभी दरारें आने चालू हो चुकी है और घर के पीछे तो एक गड्ढा भी बन चुका है, वो भी काफी बड़ा गड्ढा है। हम लोग उसके अंदर भी गिर सकते हैं। दोस्तों, हम सब भी पाताल में चले जाए, उससे पहले हमें ये शहर छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ेगा। चलो भाई, जल्दी से ट्रक में बैठकर इस शहर को छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी ना, इस वजह से जमीन टूट रही है। वैसे इससे भी बड़ी मुसीबत पाताल से निकले हुए बड़े बड़े सांप। हम लोगों ने सोचे कि ये बड़े सांप मर चुके हैं, लेकिन ये लोग तो भाई पाताल के नीचे रहते हैं और जमीन फाड़ कर अब ये बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों, इन लोगों ने हमारे बहुत सारे इंसान को खा लिया है। एनिमल हो चाहे इंसान हो, ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारकर खा जाते हैं। ये भाई बिल्डिंग जितने बड़े बड़े होते हैं, हमें इनसे भी बचना पड़ेगा। दोस्तों, तभी तो हमें यानी इस शहर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ बहुत बड़े बड़े सांप निकल रहे हैं। चलो भाई, जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। अरे भाई, अभी ये फिर से चालू हो गया, इतनी तेजी से भूकंप आ रहा है। लगता है कि कोई बड़ा सांप या फिर पूरा शहर टूटकर पाताल में जाने वाला है। अरे डायनासोरों के बच्चों, संभल कर बैठो, कहीं तुम नीचे गिर गए ना तो मैं तुम लोगों को छोड़कर भाग जाऊंगा भाई। अरे भाई, इतनी तेजी से भूकंप, डायनासोर के बच्चे भी गिर गए। अरे भाई, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। चलो भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर, लेकिन दोस्तों मेरे डायनासोर के बच्चे अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं। और जब मैं यहाँ पे आया ना तो मुझे पता चला कि भाई ये पहाड़ खुद टूटकर जमीन के अंदर जा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि जुरासिक पार्क में भी एक बहुत बड़ा सांप निकला है भाई, उसने तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी खा लिया। और तो और भाई, जमीन भी टूटने लग गई है, बड़े बड़े डायनासोर भी जमीन के अंदर चले गए। तो हम लोग तो भाई काफी छोटे हैं, लेकिन इस में एक जगह है जहाँ पे हम लोग आसानी से बच सकते हैं और वो है समुद्र में बना एक बहुत बड़ा आइलैंड। हाँ दोस्तों, हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं क्योंकि वही जगह सुरक्षित लगती है मेरे को, क्योंकि वहाँ पे जमीन नहीं भाई, वो एक बहुत बड़ा आइलैंड है जो कि बनाया हुआ है। सबसे पहले भाई हम लोग यानी डायनासोर के बच्चों के पास पे चलते और उनको लेकर उस आइलैंड पे जाते हैं समुद्र को पार करके। दोस्तों, हमारा डॉगी टोबी और डायनासोर के सभी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं और ये लोग भाई लोगों से मदद भी मांग रहे हैं क्योंकि बाकी सभी लोग भाई ट्रेन में बैठकर ओल्ड सिटी में जाने वाले हैं, यानी किसी दूसरी सिटी में जहाँ पे भाई सांप वगैरह और धरती ना टूट रही हो। वैसे ही भाई हमारे डॉगी ने बहुत कोशिश की, ये देखो भाई लोगों के पीछे जा रहा है लेकिन इसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। चलो, हम लोग इनको भी आइलैंड के ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने भाई इन सभी को बचपन से पाला है और हम लोग भाई अभी आ चुके हैं इन लोगों के पास में। देखो भाई कितने ज्यादा खुश हो चुके हैं, फ्रैंकलिन को देखते ही सब लोग इसके पास में आ चुके हैं। चलो भाई, हम लोग अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वैसे ट्रक तो भाई हमारा खराब हो चुका है, एक सेकेंड उसके पास में जाके देखते हैं भाई, उसमें तो यानी धुआं भी निकलना चालू हो चुका है। ये देखो भाई कितना सारा धुआं निकल रहा है, अगर हम लोग इसके अंदर बैठ के जाएंगे ना तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे। चलो भाई, हमें पैदल पैदल ही जल्दी से जाना पड़ेगा और समुद्र तक पहुंचना पड़ेगा। अभी जल्दी जल्दी चलो डायनासोर के बच्चों, वरना जमीन फाड़कर कोई खूंखार मॉन्स्टर बाहर आ गया ना तो हम लोग उससे लड़ भी नहीं पाएंगे भाई, ये बड़े ही खतरनाक मॉन्स्टर है। आ जाओ, जल्दी जल्दी भागो और एकदम चुप हो जाओ यार, तुम इतने चिल्लाते क्यों हो? अगर किसी मॉन्स्टर ने तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो वो हमारे पास भी आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। अरे भाई चुप हो जाओ, ये लोग तो भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। चलो आओ मेरे पीछे पीछे, जल्दी से समुद्र तक चलते है। तो आखिरकार इतनी दूर पैदल चलने के बाद भी हम लोग समुद्र तक पहुंच ही गए भाई। इस बात पे तो भाई आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, जल्दी से एक प्यारा सा लाइक करो इन डायनासोर के बच्चों के लिए और फ्रैंकलिन के लिए। चलो भाई, अभी हम जल्दी से इस बोट पे बैठकर सीधा उस आइलैंड पे चले जाते हैं, वरना भाई हम लोग पाताल के अंदर चले जाएंगे। तुम लोग एकदम चुपचाप भाई। अरे भाई, मैं इन चारों को कैसे लेके जाऊंगा, ये बात मेरे दिमाग में नहीं जा रही है, क्योंकि अगर इन सबको बैठा है तो भाई बोट पलट भी सकती है। कोई ना भाई, मैं कोशिश करके देखता हूँ, ये सब लोग बैठ तो चुके, अभी मैं आराम से धीरे धीरे चलाता हूँ। ओके, बोट तो चलना चालू हो चुकी है, लेकिन ये क्या, बोट में पानी भरना चालू हो चुका है। अरे भाई, हम लोग कहीं समुद्र के अंदर डूब कर ना मर जाए। ये देखो भाई, बोट हमारी पलटने ही वाली है, पूरी की पूरी बोट में पानी भर चुका है। अरे भाई, ये डायनासोर के बच्चों को भाई मैं एक एक करके लाना चाहिए था, इनकी वजह से भाई ये बोट पानी में डूबने वाली है क्योंकि इनमें काफी ज्यादा वजन है।
अरे भाई इन लोगों को मैं क्या करूं? अरे इनको नीचे उतार दो क्या? लेकिन अभी तो नीचे भी नहीं उतार सकता। अगर नीचे उतारे तो भाई ये लोग सीधा पाताल के अंदर यानी समुद्र की गहराइयों में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि भाई ये बोट पहुंच पाएगी। ये देखो भाई हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे शायद से, और हम लोग कितनी दूर आ चुके हैं भाई। वो आइलैंड किधर है? मेरे को कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया भी भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत पे भाई वो आइलैंड भी नहीं मिल रहा है। भाई वो इमरजेंसी आइलैंड था, यानी उस पर हम लोग कभी भी जा सकते थे, लेकिन वो भाई पता नहीं किसी ने तोड़ दिया होगा शायद से। यहीं पे तो था वो आइलैंड, हमें और आगे जाके देखना चाहिए भाई। शायद से मैं रास्ता थोड़ी भूल गया। नहीं नहीं भाई इधर से ही जाने का रास्ता था। और डायनासोर के बच्चों तुम एकदम चुपचाप से बैठे रहो, बिल्कुल भी हिलना डुलना मत, वरना सीधे समुद्र के अंदर चले जाओगे। ये देखो भाई बोट के अंदर धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है। अभी तो भाई फ्रैंकलिन भैया भी डूबना चालू हो चुके। चलो अभी थोड़ा बहुत आगे चल के देखते हैं, अगर नहीं मिला ना तो हम लोग भाई बोट को दोबारा से घुमाकर सिटी में लौट जाएंगे। तो काफी दूर तक समुद्र में चलने के बाद भी आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं उसी आइलैंड पे भाई, जहाँ पे हम सब लोग सुरक्षित बच सकते हैं भाई उन बड़े बड़े सांपों से और उन भूकंप के झटकों से भाई। ओ भाई मैं तो सीधा ले जाकर भाई, अरे अरे एक सेकेंड, ये क्या भाई पानी के अंदर ही डूब गया फ्रैंकलिन भैया। एक सेकेंड, नहीं 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 भाई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन आराम से भाई, चलो अभी ऊपर चलते हैं और आइलैंड के ऊपर जाके देखते हैं। बाकी सब लोगों को भी भाई हम लोग एक एक करके आइलैंड के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि भाई पानी एकदम खारा है भाई, एकदम मुँह एकदम कड़ा हो चुका है इतना खारा पानी। चल रे परी जल्दी से ऊपर चल भाई, बाकी लोगों को भी मैं लाता हूँ। ठीक है ये देखो भाई ये है वो आइलैंड। एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये भाई इमरजेंसी आइलैंड है, एकदम इंसानों के द्वारा बनाया गया आइलैंड। ये कभी भी भाई पानी के अंदर नहीं डूब सकता। दोस्तों हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। परी तू जा भाई समुद्र के अंदर मछलियां ही पकड़ ला, कम से कम डायनासोर पानी के अंदर तैर सकते हैं। चलो भाई ये तो नहीं जाएगी, मैं यानी कुछ जुगाड़ करता हूँ, सबसे पहले इन सबको यानी ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग आ तो चुके हैं, ये देखो भाई मछलियां यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यार इतना बड़ा समुद्र है, यहाँ पे कोई शार्क वगैरह आ गई ना तो वो शायद से ऊपर भी आ सकती है। ये देखो भाई आराम से दो डायनासोर के बच्चे तो आराम से घूमना चालू हो चुके, लेकिन हमें यहाँ पे घर भी बनाना पड़ेगा, एकदम छोटा सा घर, उसके बाद भी तो हम लोग बड़ा बड़ा घर भी बनाएंगे। ठीक है भाई बाकी लोगों को भी मैं लेके आता हूँ, यानी फ्रैंकलिन भैया के दोस्त वगैरह तो भाई वहीं पे रह गए सिटी के अंदर, उन लोगों को तो पता ही नहीं है इस आइलैंड के बारे में। हमें उन सबको भी यहाँ पे लाना चाहिए, वरना उनकी जान नहीं बच पाएगी। वैसे दोस्तों इस आइलैंड का पता है एक और फायदा है, ये देखो भाई इतना बड़ा समुद्र है और सुबह उठते ही हम लोग इसमें नहा भी सकते है और अपने जरूरत का पानी भी ले सकते है। ये देखो भाई मैं तो एकदम मस्त तरीके से नहाने वाला हूँ इतने बड़े स्विमिंग पूल के अंदर, भाई कितना बड़ा समुद्र है। चलो भाई अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ओल्ड सिटी में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा भोले भाले हैं भाई। इस सिटी के लोग तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन ओल्ड सिटी के लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनके पास में तो ट्रेन भी नहीं है भाई। चलो भाई हम लोग ओल्ड सिटी में जाएंगे और उन सबको इस आइलैंड पर लेके आएंगे। ओके लेट्स गो भाई, मुझे अपनी बोट को और भी तेज चलाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ओल्ड सिटी भी आ चुके हैं और मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है और वो है भाई इस पुलिया के अंदर भरा हुआ पानी। ओके भाई ये देखो मैं इन सबको लेके यारी जाने वाला हूँ उस आइलैंड पे, ये लोग एकदम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लेकिन ये सब लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आगे तो भाई बहुत सारा पानी भरा हुआ है, इनकी गाड़ियाँ भी खराब हो जाएगी। अरे भाई ये लोग काफ़ी डरते भी है, एक सेकेंड इस पानी को मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है अपनी बाइक को सबसे पहले लेके जाता हूँ। ओके कितना गहरा होगा भाई? पानी तो काफ़ी गहरा है मुझे पहले भी पता है, क्योंकि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। हमें इस पानी को भाई निकालने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है अपनी बाइक को मैं यहीं पे खड़ी कर देता हूँ और इस पानी को निकालने का जुगाड़ देखता हूँ। ओके पानी तो काफ़ी गहरा है भाई, इसमें से ये लोग निकल तो सकते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी भोले हैं भाई, बोलते हैं कि हम लोग मर जाएंगे। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या फ्रैंकलिन इन सबको बचा पाएगा? तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।